मंशा बम डिफ्यूज करने में नाकाम। मंशा बम को मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर छोड़े जाने का इंकशाफ। मंशा बम रात 12 बजे जोहर टाउन में अपने डेरे पर आया। जराए का दावा, मंशा बम को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मजाहमत पर फरार हो गया। गाड़ी कब्जे में ले ली, एसपी सदर मुआज जफर की तस्दीक। पुलिस ने मुबैना तौर पर मंशा बम से साज बाज की। जराए का दावा, मंशा बम से मिलने वाली गाड़ी मोहम्मद अशरफ नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड। गाड़ी का नंबर LWA7979 है। लाहौर न्यूज ने पुलिस के जेरे कब्जा गाड़ी की तस्वीर हासिल कर ली। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के मंशा बम से गहरे तालुकात। मंशा बम की जानिब से एजाज चौधरी और नजीर चौहान की इंतखाबी मुहिम चलाने का इंकशाफ। मंशा बम का बेटा मलिक तारिक खोखर पीटीआई का बल्दियाती उम्मीदवार निकला। यूसी 238 से चेयरमैन का टिकट दिया गया। एलडीए टीम पर हमले का इल्जाम। मंशा बम और उसके चार बेटों के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मंशा बम, फैसल मंशा, तारिक मंशा और आसिम मंशा के वारंट जारी किए। मुलजिमान के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज है। तजावुजात माफिया की शामत। शहर में कब्जा माफिया के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। एक्सेलरेटर से दीवारें, थड़े और शटर गिराए जाने लगे। जैन मंदिर लिटन रोड पर 1400 दुकानों के सामने से थड़े और शेड्स और साइन बोर्ड उखाड़ दिए गए। समसानी कब्रिस्तान जोहर टाउन में तामीरात और भैंसों के बाड़े मिसमार। डिप्टी कमिश्नर का समसानी कब्रिस्तान में ऑपरेशन का जायजा। लैंड माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का पहला वर्किंग इजलास। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। नून लीग के बल्दियाती नुमाइंदों का असेंबली के बाहर एहतजाज। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बल्दियाती निजाम नामंजूर के नारे। बल्दियाती निजाम को मुद्दत पूरी करने दो, चेयरमैन का दावा। उज़्मा बुखारी का स्पीकर असेंबली परवेज इलाही पर जानबदारी का इल्जाम। बतौर स्पीकर आपको गैर जानबदार होना चाहिए, आप ईवान से बाहर बयानबाजी करते हैं। उज़्मा बुखारी का स्पीकर से मुकालमा, आपका नुक्ता एतराज दुरुस्त नहीं। स्पीकर का उज़्मा बुखारी को बात करने की इजाजत देने से इनकार। माइक बंद करा दिया। मौजूद खवातीन, माएं और बहनें बैठी हैं। स्पीकर को अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना चाहिए। हमजा शहबाज का ईवान में खिताब। स्पीकर के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई, क्या वो मुनासिब है? चौधरी परवेज इलाही का हमजा शहबाज को जवाब। रुकने असेंबली उज़्मा कादरी, जलील शरपुरी, सरदार उवैस दरेशिक और नफीसा अमीन ने रुकने पंजाब असेंबली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। ज़ईम कादरी को पार्टी से तहफ़ुज़ात हैं जो किसी हद तक दुरुस्त हैं। नून लीग के साथ रंजिश अपनी जगह, लेकिन पार्लिमानी किरदार निभाऊंगा, आइंदा भी नून लीग को ही वोट दूंगी। उज़्मा कादरी की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नून लीग मेरी जमात है, नाराजगी होती रहती है, क़यादत से कुछ दूरियां जरूर हैं। डीपीओ पाकपतन का तबादला वजीर आला ऑफिस की मुदाखलत पर हुआ। वजीर आला पंजाब सादिक और अमीन नहीं रहे, वजीर आला पंजाब मुस्ताफी हो। पीपल्स पार्टी वजीर आला के खिलाफ करारदाद ले आई। राना मशहूद की असेंबली रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जेर सदारत कमेटी रूम में नून लीग का पार्लिमानी इजलास। सेनेट इलेक्शन के नतायज और असेंबली इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत। नून लीग का एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। अददी अक्सरियत से ज्यादा वोट ख्वाजा अहमद हसन को मिले, यही हमारी जीत है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। वसाइल के अंदर रहते हुए अवाम को रिलीफ देंगे। गैर जरूरी अखराजात को कम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जेर सदारत 3 घंटे तवील आला सताई का अजलास। 8 माह के बजट और तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब ने काबीना अजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। 50 लाख घर बनाने, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर रिपोर्ट दी जाएगी। इजलास में 100 रोजा प्लान से मुतालिक भी हुकाम ब्रीफिंग देंगे।
नैब लाहौर के बाहर एलडीए सिटी के मुतासरीन सरापा एहतजाज, अदायगी के बावजूद प्लॉट्स की बेल्टिंग नहीं हो रही, मुतासरीन की दुहाई, एलडीए पर वाजे प्लान ना देने का इल्जाम। पैदल चलें लेकिन कानून के दायरे में, जिब्रा क्रॉसिंग और फ्लाईओवर ब्रिज इस्तेमाल ना करने पर जुर्माने होंगे, सेफ सिटी की सिफारिशात, अहम शाहराओं से जिब्रा क्रॉसिंग के निशानात मिट चुके। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को डीजीएलडीए आमना इमरान खान के तबादले से रोक दिया, चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया, पेट्रोल पंप्स की नीलामी से मुतालिक केस में हुक्मनामा जारी हुआ। एहतसाब शुरू, पुराने खाते खुल गए, पुलिस ने करोड़ों रुपए कहां कहां खर्च किए, हिसाब किताब शुरू, डीआईजी ऑपरेशन से गुज़श्ता चार वर्षों में खर्च होने वाली रकम की रीचेकिंग शुरू कर दी। पार्किंग कंपनी के सरबराह हाफिज नुमान की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज, मुलजिम ने गैर मुल्की दौरों और गैर कानूनी ठेकों से कौमी खजाने को 1 अरब का नुकसान पहुंचाया, डीजी नैब का अदालत में बयान। लखोडेर में 21 लाख गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए, मुजरे सेहत अंडे खरीदकर पाउडर बनाने वाली फैक्ट्रियां सील की गईं, शेखोपुरा से 90,000 गंदे अंडों की बरामदगी हुई, सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी का इंकशाफ। खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्कों के सेंटर में स्पेस वीक की मुनासबत से खसूसी तकरीब, शहरियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाही, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि हमारा दीन हमें तहकीक की तलकीन करता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की लाहौर में सैर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से वाहगा बॉर्डर पहुंच गई, लोगों का जोश और जज्बा दीदनी, पुरानी यादें ताजा हो गई, मुश्ताक अहमद पुरजोश। शायकीन के लिए खुशखबरी, सुपर लीग में आर्मी सितारों की कहकशां जगमगाएगी, क्रिस गेल, एबी डी विलियर्स, क्रिस लेन, स्टीव स्मिथ और ब्रेंडम मैकलम प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल, पीएसएल के चौथे एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। और जानवरों के आलमी दिन की मुनासबत से चिड़ियाघर में तकरीब, चार यूनिवर्सिटीज के तलबा ने पोस्टर्स बनाए, तकरीब में खसूसी बच्चों की भी परफॉर्मेंस।